अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। दुआ करती हूँ आप सब भी अच्छे रहो। तो ये मेरे सामने आप जैसे देख रहे हो, प्रोडक्ट्स की ढेर लगी हुई है। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ आपका और मेरा हम सबका फेवरेट मीशो का होम डेकोर का हॉल। तो इसमें मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे आइटम्स मैं आपको दिखा सकूं जो अच्छे रीजनेबल प्राइस में भी हैं। तो ऐसे आइटम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो हम कहीं भी डिस्प्ले करेंगे घर में तो हमारे घर की शान बहुत बढ़ा देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं हमारा ये होम डेकोर का हॉल। कम लेट्स स्टार्ट इट। तो ये है हमारे वीडियो का पहला प्रोडक्ट। जल्दी से मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं मेटल के दो डॉल्स का शोपीस है। ये ट्राइबल डॉल्स का हाइट तो अच्छी खासी है इसकी। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। ये देखो कितनी बड़ी हाइट है, आप देख रहे हो ऐसे। ये एक है और मैं ये दूसरी भी जल्दी से ओपन करके बताती हूँ आप लोगों को। मेटल का है बट बहुत अच्छी पैकिंग होकर आई है इसकी। बट अच्छा है, सारे सेलर्स ने ना ऐसी पैकिंग ही करनी चाहिए क्योंकि इतने अच्छे आइटम्स वो बनाते हैं और ठीक से पैकिंग नहीं करते हैं तो हमारे तक पहुंचने तक काफी आइटम्स टूट जाते हैं, तो ये उनका ही नुकसान होता है। बट टचवुड मेरे पास एटलीस्ट अभी तक कोई आइटम टूटा नहीं है। वाओ, सी ये दूसरी डॉल है, ट्राइबल डॉल। आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल है। ये देखो आप कलर कॉम्बिनेशन देखो, एक ग्रीन और वायलेट कलर है और ये ब्लू विथ मेजेंटा पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है। ब्यूटिफुल है, स्पेशली जो इन्होंने इसके ऊपर फाइन इनकी जो वर्क है, ये देखो ये पूरे स्टोन्स लगे हैं यहाँ पर, ये स्टोन्स हैं और नीचे भी स्टोन्स लगे हैं रेड कलर के जैसे आप देख रहे हो। ये स्टोन्स हैं इसमें और बहुत खूबसूरती से इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। बहुत प्यारे हैं फ्रेंड्स, सुपर्ब है। मतलब इसमें आप कैंडल्स भी रख सकते हो, मेरे ख्याल से कैंडल्स के लिए इन्होंने ये किया है। तो मैं मेरे कैंडल्स रख के देखती हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये मेरे पास जैसे आप जानते हो बैटरी वाले कैंडल्स हैं तो इनको मैंने इसमें ऐसे प्लेस कर दिया, काफ़ी हैंडी होते हैं कैंडल्स। तो ये देखो कैसे दिख रहे हैं। सही में डोंट मिस दिस आइटम, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही रिच और एस्थेटिक लुक आएगा आप जहाँ भी इसको प्लेस करोगे। और प्राइस भी मेरे ख्याल से मुझे 560 या 600 के अराउंड मिल गए हैं ये दोनों। मेरी तरफ से फॉर दिस ब्यूटीफुल शोपीस डबल 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 थम्स अप। तो ये है हमारे वीडियो का सेकंड प्रोडक्ट। ये देखो मैंने इनको साइड में लगाया है, ये ब्यूटीफुल से ट्राइबल लेडीज कितनी प्यारी लग रही है। तो बिल्कुल आप लोग भी मिस आउट मत करो और जल्दी से ये ऑर्डर प्लेस करके मंगा लो आपके लिए। तो ये है फ्लावर वाज है, ये दो फ्लावर वाज और साथ में फ्लावर्स है। तो ये फ्लावर्स आए हैं येलो कलर के रोजेस। देखो ये रोजेस है, तो ये दो रोजेस का बंच मिलेगा आपको येलो कलर में है और इनके साथ में मिलता है ये प्लास्टिक का वाज। ये देख रहे हैं, तो इसके नीचे ऐसे रखने के लिए ये स्टैंड है। तो ये फ्लास्क के साथ मिलता है, ये देखो। अच्छा है, मतलब चीप काइंड नहीं दिख रहा है, वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूं अगर आप लोगों को। खूबसूरत है, बहुत अच्छा कहीं आप रखोगे तो
डिसेंट और गुड लुक ही मिलेगा, और प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है, अराउंड 200 समथिंग मुझे ये फ्लावर वाज मिल गए हैं। और स्पेशली ये जो फ्लास्क की क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, वो चीप पेपर टाइप या वो प्लास्टिक की वैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत प्यारे प्लास्टिक के फ्लास है ये। तो आप देखो, मुझे तो बहुत पसंद आए, ऐसे मैंने पकड़ा है तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ऐसे आप पकड़िए एक सेल्फी या फोटो भी ले सकते हो, तो वेरी नाइस। तो 200 में क्या ही मिल जाता है आजकल, तो होम डेकोरेशन के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो मेरी तरफ से अ बिग थम्स अप फॉर दीज टू फ्लावर वाज ऑल्सो। तो ये है हमारा बड़ा सा पार्सल आइटम नंबर 3, तो इनको भी मैं जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ ना तो वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं, बट ये चीज़ मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ आप लोग देखो कि कितनी अच्छी पैकिंग मीशो की मिलती है आजकल, क्योंकि लोगों को ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि मीशो में अच्छे आइटम्स नहीं मिलते हैं और डिसेंट वे में ये लोग हमको प्रोडक्ट्स नहीं सेंड करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। काफ़ी डेवलपमेंट है मीशो में जो मैं पर्सनली नोट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ, और वीडियो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है मालूम। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे करूँ, बट आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है ना कि आप आँख बंद करके ले लो और मुझे थोड़ी सी दुआएं दे दो कि रोशन ने अच्छा रिव्यू किया है। हाँ, तो ब्यूटिफुल ये एक है केक स्टैंड, ये भी काफ़ी वायरल आइटम है मीशो में, आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मुझे लगा केक रखने के लिए कुछ तो मुझे ऑर्डर करना ही चाहिए। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। देखो आप कितनी अच्छी पैकिंग है, खोलने कितना टाइम लग रहा है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई अनपैक ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। तो प्लीज़ वीडियो लंबे होते हैं तो मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कर लेना। वाओ सी, तो ब्यूटीफुल, देखो कंप्लीट मेटल का है ये केक स्टैंड, कप केक स्टैंड, कुछ भी आप इस पे डिस्प्ले कर सकते हो, और केक कटिंग के लिए तो बेस्ट है। तो दिस इज लवली, और ये अराउंड मुझे 550 या 600 के अराउंड ही मिला है। स्पेशली जो गोल्ड टिंट है यहाँ पर बहुत प्यारा है, और एकदम से बोलते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव सा लगेगा। आप किसी को गिफ्ट करना चाहो तो भी गिफ्ट कर सकते हो, अभी तो फुल फंक्शंस और ओकेजन आ रहे हैं, तो ये आइटम्स ध्यान से देखो और आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये भी ट्राइबल डॉल दिखाया आपको, आप आराम से किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। और स्क्रू के साथ इसको अटैच किया है, ये ऊपर का जो मेटल प्लेट है, और हाइट भी देखो आप, काफ़ी अच्छी हाइट है, मतलब छोटा नहीं है, तो ब्यूटिफुल है। मेरी तरफ से अ बिग थम्स अप फॉर दिस आइटम, बिग थम्स अप। तो ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 4। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो लाइक करो, और प्लीज़ 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 यार जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। कितना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों को, एक दिन आप सब लोगों ने मुझे गिफ्ट दे देना चाहिए मालूम, कि मैं सुबह उठी हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स ढेर सारे बढ़ गए। तो ये है एक की होल्डर, तो ये है स्कूटर वाला की होल्डर, अच्छा है, मेटल का है, चार आप इसमें ऐसे कीज टंगा सकते हो, कोई भी होम कार बाइक कोई भी कीज टंगा सकते हो। अच्छा क्या है इसमें कि स्कूटर का शेप है, मतलब कुछ अच्छा सा डिफरेंट है, बट मुझे जहाँ तक लगा इसकी फिनिशिंग और बोलते ना वो पेंट का कलर जो गोल्डन कलर है ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है, मतलब वो उठ के नहीं दिख रहा है, समवॉट मेसी काइंड ऑफ, ये देखो आप गोल्डन में ब्लैक कलर मिक्स हो गया है। तो ठीक है, 150-160 में मुझे मिला है, बट पर्सनली ये लोग कुछ और बहुत अच्छा कर सकते थे, क्योंकि आइडिया बहुत प्यारा है ये बाइक का। तो मेरी तरफ से ओके ओके, तो ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 5। ये इसमें मुझे मालूम है इसमें क्या आए हैं, क्योंकि मैंने मंगाए थे प्यारे से,
वास मंगाए थे सेरेमिक के, तो मेरे ख्याल से तो ये वही होने चाहिए। तो जल्दी से इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। अभी आप देखो, मैं पैकिंग दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह इन्होंने पैक किया। देखो ये थर्मोकॉल का ऊपर से ढक्कन भी लगाया है, तो आई होप सो अच्छे आए हों। ये देखो अंदर से ऐसे हैं। तो ये है डोनट शेप के फ्लावर वास। ये देखो ये एक साइज है बड़ा, ये सेकंड साइज है, कंप्लीट सिरामिक के हैं। ये छोटू सा क्यूट सा डोनट शेप का है, देखो तो बहुत क्यूट है ये छोटा वाला। और क्वालिटी तो जबरदस्त है एकदम, मतलब कैसे बोल सकते, 10/10 मैं बोल दूंगी क्वालिटी के लिए। और सिरामिक में है और कलर कंप्लीट वाइट नहीं है, समवॉट ऑफ वाइट और वाइट के बीच में है, तो आप ले सकते हो। बहुत प्यारे हैं ये देखो, आपको अगर फ्लावर्स रखने, आप इसमें फ्लावर्स भी रख सकते हो, तो अच्छा है, काफी प्यारा है। और ये मुझे मेरे ख्याल से काफी सस्ते मिल गए थे इस बार, अराउंड 400 मुझे 3 का सेट मिला है। तो मेरी तरफ से अब पक्का थम्स अप फॉर दीज वाजेस। ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 6। तो ये मैंने मंगाए हैं प्लास्टिक के, क्या बोलते हैं इसको, तो हम लोग तो फूलों की लड़ी बोलेंगे इसको। नीचे बेल है, काफी बड़ी सी बेल इन्होंने डाला है, बहुत क्यूट है। और ये मोगरे के फूल है प्लास्टिक में, जैसे आप देखो सामने से मैं दिखा रही हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको ऐसे कहीं भी हैंग कर सकते हो। ये छोटी सी रिंग दिया है, ये 4 की हमको लड़ियां मिलते हैं, और ये इसके बेल्स हैं, देख रहे हैं? वो दूल्हों का सेहरा होता है ना, समवॉट वैसे दिख रहा है। ब्यूटीफुल है और बहुत सस्ते मिले हैं, 250 अराउंड मुझे मिल गए हैं 4। क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर जो इन्होंने गोल्डन बीज लगाए हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, कुछ भी ऐसे बोलते ना काला वगैरह नहीं पड़ा है, फ्रेश है एकदम। तो इसे हम कहीं भी डेकोरेट करने यूज कर सकते हैं, मंदिर में आप डेकोरेट कर सकते हो, या कर्टन्स के साइड रॉड्स में लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हो, या आपको चाहिए आप अपनी बालकनी में भी हैंग कर सकते हो, एंट्रेंस डोर पे हैंग कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, तो मेरी तरफ से गजरा लग रहा है ना, तो मेरी तरफ से अ बिग थम्स अप फॉर दीज फ्लावर्स ऑल्सो। तो ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 7 आई थिंक। तो इतना छोटा सा बॉक्स देख के आप समझ गए रहेंगे इसमें क्या है। इसमें है एक प्यारे सी इयररिंग्स। तो एक्चुअली क्या है, ये इयररिंग्स मैंने मंगाए थे मेरे वो इयररिंग्स वाले हॉल के लिए जो मैंने पहले अपलोड किया है, बट मुझे तो मिला नहीं था, थोड़े दिन बाद लेट डिलीवरी हुई थी, तो मुझे लगा इस हॉल में मैं इसको आपको दिखा दूँ। वाओ बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये जो मैंने पहने हैं ये भी वो वाले हॉल के इयररिंग्स है, देखो कितने प्यारे हैं, अराउंड 350 कुछ है। तो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है इयररिंग्स का, जल्दी से जाके देख लो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स उसमें दिखाए हैं, एथनिक इयररिंग्स। तो ये है ये वाले इयररिंग्स, देखो कितने ब्यूटीफुल है, लोटस शेप में है, ब्यूटीफुल है। आपको देखो कलर कॉम्बिनेशन, देखो डार्क ग्रीन विथ पिंक, और नीचे ये ऑफ वाइट कलर के बीड्स है, बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। और आप मानोगे नहीं, मुझे तो बहुत ही कम रेट पे मिल गया, ये अराउंड 165 या 200 के अंदर ही मुझे ये इयररिंग्स मिल गए। देखो ये देखो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, हाउ इट विल लुक, सी हाउ इट्स लुकिंग, बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं। तो मेरी तरफ से डबल थम्स अप फॉर दीज इयररिंग्स।
तो ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 8। तो आप लोग ये शेप देख के तो समझ ही गए रहेंगे कि ये कुछ तो सीनरी टाइप है ये। तो मैं इसे जल्दी से ओपन करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा है। तो इसकी पैकिंग जबरदस्त है, मतलब पूरा इन्होंने जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, सब टेप से सील कर दिया है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये बहुत प्यारा सा मेटल का फ्रेम है, आप देखो कितना बड़ा साइज है इसी। वेरी नाइस, और बहुत अच्छा फिनिशिंग भी है इसका। कुछ भी ऐसे फिंगर्स को हर्ट करने लायक कुछ भी ऐसे पॉइंट टाइप नहीं है मेटल। और हमको हैंग करने के लिए यहाँ पे दो ये दिए हैं, हुक दिए हैं आपको ऐसे। यहाँ एक आपको नेल करके कील लगाना है, इधर एक और इधर एक हैंग करना है, दो जगह। तो बहुत ब्यूटीफुल है, आप देखो वेरी नाइस है ना। और ये भी बहुत अच्छा है, गोल्डन इसका जो टिंट है ये भी बहुत प्यारा है। मुझे तो सच में बहुत पसंद है, मतलब कोई भी आप एक वॉल पे लगा लो तो वॉल की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो मेरी तरफ से, और हाँ इसका प्राइस भी अराउंड 600 कुछ है इसका प्राइस, या 550-600 के बीच में है। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, मीशो में प्राइजेस डिफर होते रहते हैं, सेल में बहुत कम हो जाता है कभी, और कभी प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जिस टाइम पे ये लिया था, मेरे ख्याल से थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। आप देखो जैसे बहुत ब्यूटिफुल है, ऐसे लग रहा है आधा चांद है और बीच में कैसे बोलते हैं ना, ऐसे क्लाउड उतरे टाइप है। तो मुझे बहुत पसंद आया है, मेरी तरफ से अ बिग थम्स अप फॉर दिस आइटम ऑल्सो। तो ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर 9। ये भी काफी बड़ा सा है, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हाँ, तो ये भी एक मेटल का क्या क्या बोलेंगे इसको, मेटल का स्टैंड है, मेकअप स्टैंड, या किचन में भी आप यूज कर सकते हो, या जैसे कपकेक्स है, बेकरी आइटम्स है, उसमें भी इस पे भी हम रख सकते हैं। ये देखो ये फ्रेम है इसका, और इसके साथ हमको मिलते हैं इसके प्लेट्स। ये एक प्लेट है, इसको ऐसे ऊपर रखना है इसके, और ये एक सेकंड प्लेट है। तो ये वाला शायद नीचे आएगा, यस, और ये ऊपर। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, देखो नीचे इसके ऐसे तीन स्टैंड है, आराम से कहीं भी हम प्लेस कर सकते हैं। कंप्लीट मेटल का है, और ये भी मेटल ही है ये, ऊपर इसके मार्बल डिजाइन किया हुआ है। ब्यूटीफुल, ऐसा एक प्लेट आपने ऊपर रखना है, और एक और दूसरा जैसे यहाँ नीचे मैंने रखा है। तो आप इसके ऊपर शो पीसेस भी कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हो रख के, कॉर्नर्स या इसपे, और नहीं तो आपके मेकअप आइटम्स रख सकते हो। तो मैं तो मोस्टली मेरे मेकअप आइटम्स के लिए ही मैंने मंगाया है, ड्रेसिंग टेबल के लिए, और चाहिए तो आप किचन में रख सकते हो या आपके डाइनिंग टेबल पे, तो बेस्ट इसका प्लेस होगा। कुछ भी स्वीट्स वगैरह आपको सर्व करना है आपके गेस्ट के लिए, तो ये भी इस पे रख के कर सकते हैं। ये अराउंड 650 कुछ मिलता है, या 687 कुछ है इसका प्राइस, और फिनिशिंग एक्सेलेंट है, गोल्ड टिंट तो बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ से अ बिग 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 थम्स अप फॉर दिस स्टैंड ऑल्सो। तो ये है हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रोडक्ट, काफी ह्यूज है, बड़ा सा, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है ना क्या करना है, जल्दी से वीडियो लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स अ टन टू ऑल ऑफ यू। वाओ, तो मैं ना बहुत वाह वाह निकल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने प्यारे हैं, होम डेकोर के तो बेस्ट है। तो ये मैंने मंगाए हैं
मेटल के प्लांटर्स है ये। तो पहले मैं ये चीजें निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। काफी हैवी है ये। तो ये है मेटल के ब्यूटीफुल प्लांटर्स, 3 का सेट आपको मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी है, मतलब एक्सेलेंट से एक्सेलेंट मैं बोलूं। वाओ, सी द गोल्ड फिनिश, ये देखो। और कितना बड़ा है, बहुत ह्यूज है ये, मतलब अच्छा खासा। ऐसे हम पकड़ेंगे तो कितना, ऐसे बहुत बड़ा है ये वाला जो प्लांटर है। और मैं इसको देखती हूँ कैसे रखना है इनको। ओके, तो ये इनके स्टैंड है ये। तो मेरे ख्याल से बड़े वाले का छोटा स्टैंड आना चाहिए, है ना? तो ये इसका स्टैंड है, आप देखो, इसको ऐसे ऊपर प्लेस किया। आओ, ये एक स्टैंड का सेट है एंटायर। अब दूसरा हम देखते हैं, तो ये इसका सेकंड साइज है। पैकिंग देखो आप, बहुत अच्छी पैकिंग है। आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट द सेलर, जिसने इतनी अच्छी पैकिंग और इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाया है। ये सेकंड मेटल प्लांटर है, ये भी बहुत अच्छे साइज में है। तो इसका स्टैंड हमको ये वाला है। ओके, ये देखो। तो ये 3 का सेट है, मैंने कोशिश की आपको एक साथ दिखाऊं मैं। बहुत एक्सीलेंट है, और इसका डिज़ाइन तो बहुत प्यारा है, मतलब कुछ डिफरेंट इसके स्टैंड का डिज़ाइन है। और कुछ 1350 या 1400 का मुझे पड़ा है। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल 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 मिस मत करना। और मैंने कोशिश की है, मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने लिंक अभी पोस्ट किया है डिस्क्रिप्शन में, तो इन सब का मैं लिंक डाल दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करो, और कोई भी फंक्शन में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को या आपके कलीग्स को, बॉस को, किसी को भी आप ये चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो। तो मेरी तरफ से 10 times थम्स अप फॉर दीज ब्यूटिफुल प्लांटर्स। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों को ये होम डेकोर का हॉल जरूर पसंद आएगा। ये देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा है कि 200 के अंडर मुझे ये फ्लावर्स मिले हैं, विद फ्लावर वाज वेरी नाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने कोशिश की है, दिल से बहुत कोशिश की है हमेशा की तरह, कि मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाऊं कि आप उनको आराम से ले सके। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ट्रू रिव्यू दे सकूँ सारे प्रोडक्ट्स का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और सबके साथ शेयर करो। तो दैट्स इट आज के लिए, इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। दुआ में मुझे ज़रूर याद करें, और मैं हमेशा बोलती हूँ दुआ में ज़रूर याद करें, क्योंकि मैं मेरी हर दुआ में आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको आइटम्स पसंद आते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आइटम्स आपको कौन सा पसंद आया, और कौन से आप और आइटम्स देखना चाहते हो जिसका मैं रिव्यू करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी मेरे आने वाले हॉल्स में मैं वो प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे सकूँ। तो बस दैट्स इट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।